राशिद, आपके और लाहौर कलंदर के दरमियान आपस में एक कोई बड़ा एक गहरा ताल्लुक सा जो है ना वो इस वक्त एक बन गया है। एक बड़ी खेल रहा होता है ना खिलाड़ी, देख के अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी इमोशनल अटैचमेंट एक टीम के साथ जो है ना वो डेवलप हो गई। और जिस तरह टीम ने आपको सी ऑफ किया, यार ये वही सुबह, ये वही दिन था जिस दिन सुबह में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट जेम्स फॉकनर वाला इंसिडेंट हुआ और शाम में आपको इतनी मोहब्बत के साथ सब ने विदा किया। ये लाहौर कलंदर के साथ आपकी बॉन्डिंग ऐसे कैसे डेवलप हुई, कुछ ज़रा ये बताया हमें। जी बिल्कुल, जब मैं पहली दफ़ा लास्ट ईयर जब आ रहा था तो सेम फ्लाइट में मैं भी था, सुमीन भाई भी थे। जो जिस तरह उसने मेरे साथ उधर से बात शुरू की, जो जो रिस्पेक्ट और जो वेलकम हो गया उस टाइम मेरा टीम का जो मेरा वेलकम किया, जो सपोर्ट मुझे मिली, जो प्यार मुझे मिला, आई थिंक उसने मुझे मजबूर किया कि यार मैं इस टीम को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, इस टीम के साथ ही रहूंगा जो भी सिचुएशन होगा। और हम जो सुमीन भाई ने एक ज़बरदस्त बात मुझे कही कि यार अगर आप हमारी टीम के लिए एक घंटे भी फ्री होना तो हम आपको टीम के तक ले आएंगे, वापस जाएंगे। तो एक ऐसी बात थी जिसने बिल्कुल मेरा दिल जीत लिया कि यार नहीं, इस टीम के साथ ही मैंने रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना है। और मैंने उनके साथ यही प्रॉमिस की कि भाई जब तक मैं PSL खेलूंगा तो सिर्फ लाहौर से खेलूंगा, वरना दूसरी टीम से बिल्कुल खेलूंगा ही नहीं। तो एक ऐसा माहौल हमने बना लिया कि यार इस टीम को जितना स्ट्रगल किया है चार पांच साल में, पहले पांच साल में, अभी हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना ये बिल्ड हो गया, ये टीम चार पांच साल लगी, ये टीम अभी बिल्ड हो गया और एक ऐसे प्लेयर्स आ गए जो अभी मैच विनर बन गए हैं, जिस तरह हारिस रऊफ है, शाहीन शाह है, फखर जमान है। ये लड़के काफी टाइम जो है ना लाहौर के साथ रहे और ये अभी लाहौर कलंदर का एक बेस बन गया। तो मैंने कहा कि यार अभी इस बेस में मैं फिट हो गया तो अभी इसको नहीं छोड़ना है, और अभी जब तक खेलना है तो सिर्फ लाहौर के लिए खेलना है। और उम्मीद यही है कि आज अच्छा परफॉर्मेंस हो, ट्रॉफी भी जीत ले। ये एक जो एक्स्ट्रा प्रेशर होती है कि यार हमने अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती है, तो वो भी माइंड से निकल जाएगा और जो 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 अगला जितना भी क्रिकेट है लाहौर के साथ ही रहेगा इंशाल्लाह।